Welcome, dear learners. Today we will learn about solar system in all planets. कौन से planets होते हैं और उनमें से कौन सा planet बहुत हॉट है, closest है Earth के, इस पूरी information को आज हम details से पढ़ेंगे. So keep watching and do subscribe our channel. इस video को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ share करें और comment में अपनी राय दीजिए ताकि आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम पे. तो सोलर सिस्टम की डेफिनेशन के मुताबिक द सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ सन एंड एवरीथिंग दैट ऑर्बिट्स अराउंड इट इंक्लूडिंग प्लैनेट्स मून्स एस्टेरॉइड्स कॉमेट्स एंड मेटेराइड्स. ठीक है, यानी कि जो सारी चीज़ें सन और वो सारी चीज़ें जो उसके ऑर्बिट में अराउंड होती है वो मसलन जैसे प्लैनेट्स हो गया, मून हो गए, एस्टेरॉइड हो गया, कॉमेट्स और मेटेराइड्स हो गया, ये सारी चीज़ें. ठीक है, अब हम बात करेंगे सन की अपनी स्टडी. सोलर सिस्टम में अगर हम बात करेंगे साइंटिस्ट के मुताबिक यानी कि उनका जो एस्टीमेट अंदाज़ा हो रहा है वो ये है कि जो सोलर सिस्टम की एज है वो तकरीबन 9 बिलियन माइल्स है फ्रॉम द सन. अगर हम 9 बिलियन माइल्स को किलोमीटर में काउंट करेंगे तो 15 बिलियन किलोमीटर्स है फ्रॉम द सन से. सन के बाद हम बात करेंगे मर्क्यूरी पे. ठीक है, मर्क्यूरी जो होता है वो सन के बहुत क्लोज़ होता है, हाँ मगर ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं रखता. उसके अलावा ये जो सोलर सिस्टम पे बाकी प्लैनेट्स की डेंसिटी है इसकी डेंसिटी काउंट होगी 2nd नंबर पर. और मर्क्यूरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिमिलर इस प्लैनेट की तरह होता है जैसे अर्थ का स्ट्रक्चर बना हुआ है. तो ये हो गया मर्क्यूरी. अब बात करेंगे वीनस पे. ठीक है, वीनस जो होता है ये बहुत नेचुरल लुक देता है, बिल्कुल नेचुरल, बाकी प्लैनेट से डिफरेंट इसका थोड़ा सा शेप है. ये क्लॉकवाइज अपनी एक्सिस में स्पिन करता है और इसका जो एक डे होता है वो बिल्कुल लॉन्ग होता है, जैसे कि ईयर से भी ज़्यादा लॉन्गर होता है. वी कैन से अ डे ऑन वीनस इज़ लॉन्गर देन अ ईयर, यानी कि एक साल से भी ज़्यादा बढ़कर इसका दिन लॉन्गेस्ट होता है. अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 462 सेल्सियस डिग्री इसका टेम्परेचर होता है. ये सोलर सिस्टम पर बाकी प्लैनेट से थोड़ा अनलाइक दिखता है, उन जैसा बिल्कुल नहीं दिखता. और मर्क्यूरी के बाद वीनस इज़ हॉटर देन मर्क्यूरी. ठीक है, और वो जो सन है ये सन से थोड़ा अवे होता है, वीनस जो है वो सन से अवे रहता है. जी तो अब हम बात करेंगे मोस्ट फेमिलर अर्थ के ऊपर. ठीक है, अर्थ वो प्लेनेट है जिसे हम अपना घर कहते हैं और होम. ये 3rd प्लेनेट होता है जो सन से दूर है, 3rd नंबर पे आता है. उसके अलावा इट इज़ द ओनली प्लेनेट दैट इज़ नॉन हेवन. इसका एक कंप्लीट अच्छे तरीके का एटमॉस्फेयर होता है और उसके अलावा फ्री ऑक्सीजन कंटेनिंग है ये प्लेनेट. ओशंस यानी कि पानी और उसके अलावा लाइफ, वी कैन से जहाँ पर पानी हो तो ऑक्सीजन हो, सो ऑफ कोर्स वी कैन गेस इट्स अबाउट लाइफ. ठीक है, अर्थ का जो डायमीटर है वो रफली अगर हम काउंट करें तो वो 800 माइल्स होता है. अगर उन्हें हम किलोमीटर में काउंट करें तो 13,000 हो जाता है. और अर्थ का जो एवरेज डिस्टेंस है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. तो ये हो गया अर्थ. अब हम बात करेंगे मार्स के ऊपर. ठीक है, ये 4th प्लेनेट है फ्रॉम द सन और जो 2nd स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम है वो भी मार्स है. उसके अलावा ये रेड कलर का दिखता है, क्यों? क्योंकि ये आयरन रिच है. यहाँ पे जो भी डस्ट होती है वो उसके लैंड स्केप को रस्टी रेड कलर बना देती है. ठीक है, और अगर इसके डे की लेंथ पे आ जाए तो अब मार्टियन डे इज़ अबाउट 40 मिनट्स लॉन्गर देन अ डे ऑन अर्थ. तो ये हमने थोड़ा सा देखा मार्स के ऊपर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स जुपिटर. उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. जुपिटर के ऊपर बात करेंगे. जो जुपिटर है वो 5th प्लेनेट है फ्रॉम द सन और ये लार्जेस्ट प्लेनेट होता है. ये क्वेश्चन CSS के अलावा किसी भी जनरल टेस्ट में आ सकता है कि लार्जेस्ट प्लेनेट, तो आपने लिखना है सोलर सिस्टम. ठीक है, जुपिटर जो होता है वो 4th ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम, चमकता हुआ वो ब्राइटेस्ट है. ठीक है, उसके अलावा जो जुपिटर का डे होता है ना वो बाकी प्लेनेट से बहुत शॉर्टर होता है, शॉर्टेस्ट होता है इवन. ठीक है, इट टर्न ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 9 आवर्स एंड 55 मिनट्स. सो ये हमने पढ़ा जुपिटर के मुताबिक.
नाउ आगे बढ़ें, जुपिटर के बाद हम पढ़ेंगे सेटर्न के बारे में। सेटर्न जो है वो सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन है और ये सेकंड लार्जेस्ट है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि सबसे लार्जेस्ट जो है जुपिटर है, उसके बाद सेटर्न सेकंड लार्जेस्ट माना जाता है आफ्टर जुपिटर। ठीक है, जो सेटर्न इज़ द लीस्ट डेंस प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि जो इसकी जो डेंसिटी वो बहुत लीस्ट है बाकी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के कंपेयर में। ठीक है, अच्छा तो अब हम बात करते हैं यूरेनस के ऊपर। ठीक है, यूरेनस ऑफिशियली डिस्कवर किया गया था 1781 में, जो सर विलियम ने किया था। अच्छा, इस प्लैनेट को हम आइस कैन भी कहते हैं। यूरेनस मेक्स वन ट्रिप अराउंड द सन एवरी 84 अर्थ ईयर्स। तो यहाँ तक हो गया हमारा प्लैनेट सिस्टम, होप्स हो कि आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेपट्यून। नेपट्यून जो होता है वो बहुत दूर होता है सन के, और ये सिमालेस्ट है, बिल्कुल सिमालेस्ट गेस्ट कैंट है। ठीक है, अ ईयर ऑन नेपट्यून लास्ट 165 अर्थ ईयर्स। नेपट्यून इज़ द नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ द सी। रोमन के यहाँ क्या होता था कि इन प्लेनेट्स को वो अपना खुदा मानते थे। ठीक है, अब जैसे कि नेपट्यून स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस वेरी रैपिडली। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया था कि कहीं पे 62 मून्स होते हैं, कहीं पे कितने, तो यहाँ पर नेपट्यून के पास 14 मून्स हैं। ठीक है, होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना व्यू ज़रूर लिखें। जरूर लिखें।